वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू वाले बेल को दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती जाएंगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थर्मोकोल से कुछ इस तरह का रथ बनाएंगे। देखो कितना मस्त और क्रिएटिव लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें। और एक बात फ्रेंड्स, आप पिछले वाला वीडियो जरूर देखें, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इस तरह का रथ बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने इस बुक में से देख के पेपर के ऊपर जो उसका फिगर है वो ड्रॉ करके कटर के मदद से कट कर लिया है। और अब हम ये जो थर्मोकोल के दो टुकड़े हैं उसके ऊपर हमने बनाया हुआ जो पेपर का फिगर है उसको रख के आउटलाइन कर लेते हैं। आउटलाइन होने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा, देख सकते हो फ्रेंड्स आप। तो उसके बाद अब हम कटर की मदद से उसे कट कर लेते हैं, छोटे कटर से कट कर लेते हैं आप ताकि सब बारीकी आ जाए इसमें। कट होने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब फ्रेंड्स, मैंने जो पिछले वाला हिस्सा है उसे 3D बनाने के लिए मैंने वही डिज़ाइन को और एक बार कट करके उसके ऊपर अब हम फेविकॉल की मदद से अब लगा लेते हैं चिट। एक एक करके सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चिपका लेते हैं। चिपका लेने के बाद देखो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से लगेगा। ऐसे हमने दो बना लिए हैं, देख सकते हो आप। अब हम सैंड पेपर की मदद से अच्छी तरह से इसे फिनिशिंग कर लेते हैं। फिनिशिंग होने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हमने जो उसके पहिए जो बनाए हैं इसे हम लगा लेते हैं। ये बड़े वाले जो पहिए हैं ये हम पीछे वाले हिस्से पे लगाएंगे और छोटे वाले आगे के हिस्से पे। मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगाने हैं। ये कुछ इस तरह से लगाने हैं, छोटा वाला सामने। सो फ्रेंड्स, ये कुछ 5 और 4 सेंटीमीटर का टुकड़ा है, ये हम ऊपर वाले हिस्से पे लगा लेंगे। देखो कुछ इस तरह से लगाएंगे। और फ्रेंड्स, ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है ये मैंने, मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था इस साइज़ का, तो मैंने कट कर लेके उसका जो बेस है वो बना लिया है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कुछ इस तरह से हम लगाने वाले हैं इसको।
और ये जो है ये सामने वाला है। अब हम सभी चीज़ों को सैंड पेपर से अच्छी तरह से फिनिशिंग कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये कुछ सामने वाला हिस्सा है, उसे मैंने जो बड़ा वाला थर्मोकोल का टुकड़ा था उससे अच्छी तरह से कट कर लिया है। हम कुछ इस तरह से लगाएंगे उसे। तो फ्रेंड्स, आज अब हम ऊपर वाला हिस्सा बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने फ्रेंड्स कुछ ये ऊपर वाला हिस्सा है कुछ इस तरह के मैंने टुकड़े काट लिए हैं। ये कुछ 6 सेंटीमीटर का है और उसका मैंने मिड पॉइंट बना लिया है। और ये जो सामने वाला हिस्सा है उसे मैंने कट कर लिया है और उसके ऊपर भी मैंने ये कुछ 4 सेंटीमीटर का मैंने बनाया है और इसका भी मिड पॉइंट मैंने बना लिया है। इन सभी को अब फ्रेंड्स हम कटर की मदद से अच्छी तरह से कट कर लेते हैं। हम बड़े कटर की मदद से कट करेंगे ताकि ये जल्दी हो जाए। तो फ्रेंड्स, कट होने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। देखो ये जो बड़ा वाला है ये हम पीछे लगाएंगे और छोटा वाला सामने। अब हम फेविकॉल की मदद से सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ज्वाइंट कर लेते हैं। हमने अभी नीचे वाले हिस्से को अच्छी तरह से ज्वाइंट कर लिया है। मेरे पास बड़ा वाला जो थर्मोकोल था उसी से मैंने वो जो नीचे वाला बेस है बना लिया है। अब जो सामने वाला जो है उसे मेरे बड़ा साइज़ का थर्मोकोल था उसमें से कट करके मैंने आगे वाला हिस्सा बना लिया है। अब हाँ, फेविकॉल से इसे भी अच्छी तरह से ज्वाइंट कर लेते हैं। सभी चीज़ों को एक एक करके ज्वाइंट कर लेते हैं हम।
अब फ्रेंड्स मैंने जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर मैंने 4 थर्मोकोल के टुकड़े लगा लिए हैं। मैंने ये इसलिए लगाए लिए हैं कि हमारे जो व्हील्स लगाने वाले हैं उसे सपोर्ट अच्छे तरह से हो, और ऊपर वाले जो हिस्सा है हमने जो डिज़ाइन कट कर ली है उसे हम ज्वाइंट कर लेते हैं और व्हील्स को भी अच्छी तरह से ज्वाइंट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने गोल्डन कलर के ऊपर जो है कॉपर कलर से शेड किया है। तो फ्रेंड्स अब हम उसके ऊपर ब्लैक कलर से डिजाइन बना लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, मैंने जो हॉर्स बनाए थे दो, उसे व्हाइट कलर और गोल्डन कलर से कलर कर लिया है।